अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक न्यू वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ और आज हम यूट्यूब का चैनल क्रिएट करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर अर्निंग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम यूट्यूब का चैनल क्रिएट करें, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि हम कैसे अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और गूगल क्रोम पे आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है क्रिएट न्यू अकाउंट। आप क्रिएट न्यू करेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपने इसमें से क्रिएट न्यू जीमेल अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे देखे क्रिएट अ गूगल अकाउंट, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ आने के बाद फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, आपने ये देखें दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, फॉर माय सेल्फ और मैनेजर अकाउंट। तो आपने फॉर माय सेल्फ पे करना है, उस पर क्लिक करने के बाद ये देखें आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे आपने फिल करना है, अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने सेकंड नाम लिखना है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरा नाम है शकील, तो मैं वो लिखूँगा। और यहाँ पे मैं लिखूँगा सेकंड नेम असलम। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो दोस्तों, जैसे ही मैं नाम लिखूँगा, अपना सेकंड नाम यहाँ पर लास्ट नाम डालूँगा, तो यहाँ पर देखेंगे हमें बता रहा है कि आप इस नाम से अगर अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, हमें ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप इस नाम से बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं, वरना आप अपनी मर्ज़ी से दोबारा से टाइप कर सकते हैं नाम। तो फ्रेंड्स, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ तो मैं इसी को क्लिक करूँगा। अगर आपको भी ये समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप इसी भी बना लें। तो यहाँ पे ये देखें, इसने असलम शकील कर दिया है और 02062 कर दिया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी को चूज़ कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं आ जाऊँगा तो यहाँ पर देखें पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड आपने डालना है। यहाँ पे मैं पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी डालूंगा, लेकिन आप ये याद रखिएगा आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है जिसके अंदर आपके लेटर्स और साइंस वगैरह भी होने चाहिए, ताकि एक आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाए। तो फ्रेंड्स, ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेनी है। यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने जेंडर में आ जाना है। अगर आप फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक कर दें, अगर आप मेल है तो मेल पे क्लिक कर दें। उसके बाद नेक्स्ट कर दें। तो फ्रेंड, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है ये बल्कि फ्रेंड मैं आपको करके दिखा ही देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना नंबर एंटर कर देता हूँ। और यहाँ से मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लूँगा। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आप अपनी मर्ज़ी से वो सेलेक्ट कर लें यहाँ पे। जेंडर सेलेक्ट कर लें। तो उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट कर लें। तो फ्रेंड, नेक्स्ट करने के बाद ये देखें आपके पास ये एक इनका जो एग्रीमेंट होता है, प्राइवेसी एंड टर्म्स होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह, वो आपने यहाँ से बस ओके कर देना। आप अगर पढ़ने बैठेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो बस आपने सिंपली यहाँ जाके इसको आई एग्री पे कर देना है। तो जब मैं आई एग्री पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो चैनल वो जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो अकाउंट है ये क्रिएट हो चुका है गूगल का। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे कि हमने यहाँ पे अपने यूट्यूब पर चैनल बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूट्यूब के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये देखें, जैसे ही आपका चैनल क्रिएट होगा आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता तो आपने ये देखें ये डॉट बने हुए हैं ऐप्स के, ये इस तरह से होंगे, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद ये सारे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, तो इनमें से आपने यूट्यूब के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक किया, और फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे साइन इन करना है।
तो फ्रेंड जिस नाम से आपने जो चैनल बनाया होगा, जिस अकाउंट से, उसी अकाउंट पे आपने अपना जो यूट्यूब है वो ओपन कर लेना है। तो ये देखें, आपके पास वो वही जीमेल होनी चाहिए जो आपने न्यू बनाई है, उसके ऊपर आपका जो है ये अकाउंट यूट्यूब ओपन होना चाहिए। जब आप यूट्यूब को ओपन कर लेंगे तो आप फिर अपने इसी जो आपका जो ये नाम आ रहा है इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, सॉरी इसके ऊपर आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे। और लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देखें, आपके पास ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें से आपका ये जो क्रिएट अ चैनल का ऑप्शन आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपनी कोई पिक्चर वगैरह अपलोड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से जो आप पिक्चर अपलोड करना चाह रहे हैं वो अपलोड कर लें। यहाँ पर आप क्लिक करें, और यहाँ पे आप पिक्चर पे आ जाएं जो आप सेट करना चाह रहे हैं। फ्रेंड जैसे मैं ये जॉन विक का एक पोज है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए सिंपल। तो यहाँ से डन, ये देखें नीचे आपने यहाँ से डन करना है। तो ये मेरी जो इमेज है वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने सेट कर ली है प्रोफाइल पे। उसके बाद ये देखें, ये आपका नाम आ रहा है और ये आपने हैंडल जो आपका नाम है ऑटोमेटिकली वो आपका क्रिएट हो जाता है वो आ रहा है। उसके बाद आपने ये देखें क्रिएट चैनल करना है। अगर फ्रेंड्स आप अपना नाम चेंज करना चाह रहे हैं, चैनल का नाम आप अपनी मर्ज़ी से कुछ रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप वो नाम इंटर कर देंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब चैनल बनाना चाह रहा हूँ ग्राफिक्स का, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अपनी मर्ज़ी से ग्राफिक डिज़ाइनर। आप ये भी कर सकते हैं, तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इसको आप क्रिएट चैनल कर दें। आपका व्लॉग है या आप किस किस्म का चैनल बनाना चाह रहे हैं उसी हिसाब से आपने अपना नाम यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे क्रिएट चैनल पे करना है, तो आपका चैनल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये देखें, ये इंटरफेस आ चुका है आपके चैनल का, ये चैनल आपका क्रिएट हो चुका है ग्राफिक डिज़ाइनर के नाम से आपने चैनल बनाया है। इस वक्त यहाँ पे 9 सब्सक्राइबर आ रहे हैं। तो इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो मज़ीद हमें करनी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, ये करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे हम कस्टमाइज चैनल पर। वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो, तो आपने यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देना है और इसको यहाँ से आपने फ़िलहाल क्लोज़ करना है। अब फ्रेंड हमने जो करना है वो ये है कि कुछ सेटिंग्स हैं जो हमने यहाँ से करनी है, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम ब्रांड पे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये चीज़ें सारी आपने बाद में करनी है, अभी आपने इस पर कुछ नहीं करना। बेसिक इन्फो के अंदर आएंगे, और बेसिक इन्फो में आने के बाद आपका ये नाम आ गया, और इसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन, फ्रेंड्स यहाँ पे आपने अपनी वो डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है जिस जिसके मुताबिक अपना अपना चैनल आप बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फूड के मुताबिक बनाना चाह रहे हैं, कुकिंग के मुताबिक बनाना चाह रहे हैं, न्यूज़ का बनाना चाह रहे हैं, या आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बनाना चाह रहे हैं, तो आप जिस आपने जिस टाइप का भी चैनल बनाना है उसके मुताबिक आपने यहाँ पे अपने जो कीवर्ड्स हैं वो एंटर करने, डिस्क्रिप्शन डालनी यहाँ पे कि आप उस पर करना क्या चाह रहे हैं। आपको वो यूट्यूब को बताना पड़ेगा कि मैं अपने चैनल जो मैंने क्रिएट किया है उसके ऊपर मैं ये काम करूँगा और उसमें ये ऑप्शंस हैं, ये चीज़ें मैं इस पर करना चाहता हूँ। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इंटर कर देंगे, और ये देखें मैक्सिमम आपके जो यहाँ पे वर्ड्स हैं वो थाउजेंड्स आपने यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कॉन्टैक्ट इन्फो अगर देना चाह रहे हैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, तो आप वो भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये करने के बाद आपने, तो फ्रेंड बेसिक इन्फो पे आ जाएंगे। बेसिक इन्फो पे आने के बाद आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ये आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे ये देखें, आपने चैनल पे आ जाना है। यहाँ पे आपने तो ये करेंसी जो है वो US डॉलर में ही आपने सेलेक्ट इसको रहने देना है। तो चैनल पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, आप कौन सी कंट्री में रहते हैं। तो जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं पाकिस्तान यहाँ से सेलेक्ट करूँगा।
उसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ पे कीवर्ड्स जो है वो इंटर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर के नाम से चैनल बनाया है, या आप इसके अलावा भी किसी कोई नाम आप सेलेक्ट करते हैं, तो आपने कीवर्ड्स में क्या करना है, आपने उसको डिफरेंट स्टाइल में यहाँ पे लिखना है कि जिस तरह से लोग उसको सर्च करते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्राफिक्स जो है वो कैपिटल में भी एक एक मरतबा लिख दूंगा ऐसे। और उसके बाद आप एक दफ़ा इसको जो फर्स्ट है वो कैपिटल कर दें, बाकी आप स्मॉल कर दें। और फिर आप कर दें डिज़ाइनर, सिंपल आप डिज़ाइनर कर दें इस, या आप इस तरह से कर दें ग्राफिक्स। फ्रेंड्स ये इसलिए होता है कि अगर कुछ जो लोग आपको सर्च करना चाह रहे हैं यूट्यूब पे, वो किसी भी तरह से अगर वो लिखेंगे तो आपका चैनल जो है वो फ़ौरन से सर्च हो जाएगा। तो आप ये कीवर्ड्स अगर आप अपने ऐड कर देंगे, तो अगर वो आपने जो जिस तरह से आप समझते हैं कि लोग मुझे सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल को, आप उस तरह से यहाँ पे कीवर्ड्स जो है इंटर कर दें, तो उससे आपका चैनल जो है वो बहुत जल्दी आपका सर्च में आ जाएगा और लोगों को ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो ये करने के बाद फ्रेंड्स आपने ये कुछ सेटिंग्स हैं जो इतनी ज़रूरी नहीं हैं, ये आप बाद में भी कर सकते हैं। तो चैनल स्टार्ट करने के लिए ये जो सेटिंग्स थी ये ज़रूरी सेटिंग थी, एडवांस में आ जाते हैं। एडवांस में ये कुछ इनकी जो रिस्ट्रिक्शन और कुछ ऑडियंस वगैरह के हवाले से चीज़ें होती हैं, वो आपने अपनी मर्ज़ी से जिस टाइप का आपका चैनल है आपने उस हिसाब से यहाँ से सेट करना है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी सेटिंग, यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा। तो फ्रेंड ये आपका चैनल जो है वो क्रिएट हो चुका है, ये इंटरफेस है आपके चैनल का। और अब आपने क्या करना है, आप जो वीडियो आप क्रिएट करेंगे उसको यहाँ से अपलोड कर लेंगे आप, या फिर आप यहाँ से उसको मैनेज करेंगे। तो यहाँ से अपलोड करने के बाद जो बाकी चीज़ें होंगी वो सारी आप करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अपना चैनल बनाएं, वीडियोस अपलोड करें और इस पे काम करें, रनिंग करें। तो फ्रेंड्स अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।